प्रीव्यू शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ये प्रीव्यूज पहली बार देख रहे हैं, जस्ट साइन इन का मतलब यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ टिक है, जैसे आप देख सकते हैं पिच के नीचे टिक है, इसका ये मतलब है कि जो पिच है वो प्लेयर को सूट करती है। क्रॉस है मतलब वहां पे खराब है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है। उसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी मीटर ऑन द टॉप राइट एंड रिस्क मीटर ऑन द बॉटम राइट। तो अपॉर्चुनिटी मीटर जितनी ज्यादा ज्यादी उतनी ज्यादा अच्छा, मतलब प्लेयर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन द गेम। जैसे जयसवाल ओपनिंग करते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है, या अगर आप कोई ऑलराउंडर का प्लेयर कार्ड देखेंगे तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा होगी, एज लाइकली ज्यादा है कि वो ज्यादा खेलें। रिस्क मीटर एक मिक्स चीज है, बोलर्स के लिए ज्यादा हो तो बेहतर एंड बैटर्स के लिए कम हो तो बेहतर, क्योंकि अगर बैटर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज्यादा फैंटेसी वैल्यू दे सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विद जॉस बटलर। वाल अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है मतलब बाउंड्री बोनस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बट ये भी चांस है कि जल्दी आउट हो जाए। तो रिस्क मीटर जितना कम बेहतर फॉर द बैटर एंड जितना ज्यादा फॉर द बॉलर उतना बेहतर, क्योंकि अगर एग्रेसिव बॉलर है तो विकेट लेने के चांस ज्यादा। एंड रिस्क ड्रॉप का क्या मतलब है कि क्या सिचुएशन में आप इस बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दो कैन बी क्रैम्प विद बॉल्स क्लोज टू द बॉडी, मतलब अगर कोई पेसर है सामने वाली टीम में जो उस तरीके की बॉलिंग करता है तो आप चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर पे। तो ये हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीजों का, एंड अब चलते हैं प्रीव्यू की तरफ। इट्स टाइम फॉर नेदरलैंड्स वर्सेस नेपाल एट द ग्रैंड प्रेस स्टेडियम इन डैलस, जहाँ पे हमने देखा पहला मुकाबला ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। तो काफी अच्छा ये गेम रहेगा, इंश्योर आप वीडियो एंड तक देखिए एंड बने रहिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो मेरी विन प्रेडिक्शन इस गेम में ऑफ कोर्स होगी नेदरलैंड्स की तरफ। दे आर द मच स्ट्रॉन्गर टीम इन कंपैरिजन, स्पेशली कंडीशंस को देखते हुए। स्मॉल लीग हम खेलेंगे ऑन माय मास 11, जहां पे बहुत बड़ा गिव अवे एंड इन्वेस्टमेंट लीड बोर्ड भी चल रहा है, सो डोंट मिस आउट ऑन ज्वाइनिंग योर लीग देयर। ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते हैं ऑन रियल 11 एंड माय मास 11 एंड एक्सचेंज 22 पे, अभी के अभी साइन अप कर लीजिए, क्योंकि ₹100 रियल कैश आपको मिलेगा जस्ट ऑन साइन अप। सो गो साइन अप राइट अवे। अब याद रखिए जैसे मैं कह रहा था ये इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है, तो क्या प्राइजेस है ये आप देख सकते हो यहाँ पे अपने इस इमेज पे। तो जूम इन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या इमेज है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कार्स, फोन्स एंड बहुत बाइक्स एंड लॉट्स ऑफ अदर प्राइजेस। एक्सचेंज 22 पे नो लॉस लीग भी चल रहा है, ये क्या लीग है क्या सिस्टम है ये मैं पहले प्रीव्यू में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अगर आपने पहला प्रीव्यू नहीं देखा विच इज द PNG वाला गेम, तो जल्दी जाके वो प्रीव्यू देख लीजिए, वहां पे पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे नो लॉस लीग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अब चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर, नेदरलैंड्स वर्सेस नेपाल। एंड नेदरलैंड्स की बात की जाए तो ओपनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है इनके पास, एंड मैक्स ओडाउट एंड माइकल लिविट। अब लिविट काफी लिविट रादर काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, एंड बैस्टिलिडी स्कॉट एडवर्ड्स इन द मिडिल ऑर्डर, वेल एंगल ब्रेक एंड वेन बीक टू फिनिश द ऑर्डर। बीच में ऑफकोर्स तेजा निदामनुरु भी है, विक्रमजीत सिंह भी है, बट आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट द प्लेयर्स जिन पे ज्यादातर फोकस रहेगा। नेपाल की बात की जाए तो कुशल पटेल एंड आसिफ शेख स्टार्ट करेंगे द अटैक विद द बैट, फिर है कुशल मल्ला, रोहित पौडेल एंड दीपेंद्र सिंह एरी, तीनों काफी अच्छे टच में चल रहे हैं, एंड फिर है करण केसी, सोमपाल कमी एंड फिर संदीप जोरा एंड दी अदर बैटर्स इन द मिडिल ऑर्डर। नेदरलैंड्स की बॉलिंग की बात की जाए तो विद टिम प्रिंगल, वैन बीक, किंगमा, स्पेशली किंगमा काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं विद दिस पावर प्ले बॉलिंग। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसा रहेगा उनका मैचअप इन फ्रंट ऑफ बर्टेल एंड आसिफ शेख। ये कुछ महीने पहले एक सीरीज भी खेल के आ रहे हैं, उसका डेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैचअप्स हैं इस स्पेसिफिक गेम में। उसके अलावा पॉल वैन मीकरेन, टिम प्रिंगल इन द मिडल ओवर्स एंड पॉल वैन मीकरेन एंड बैस्टिलिडी एट द डेथ। वाइल नेपाल की बॉलिंग भी यहाँ पे काफी ठीक ठाक है, बट लेट्स सी कि कंडीशंस उनके स्पिन बोलर्स को यहाँ पे असिस्ट करती है नहीं। सो द वीक नेपाल फिनिशिंग ऑर्डर विल बी द टॉकिंग पॉइंट फॉर मी, एंड वहीं से आपके GL CVC चॉइसेस भी निकल के आएंगे, एंड प्रॉबली पॉल वैन मीकरेन, बैस्टिलिडी एंड स्पेशली अगर चेस कर रहे हैं तो टिम प्रिंगल भी वहां पे गेम में आ जाएंगे। एंड इन फॉर्म जो नेदरलैंड्स का मिडिल ऑर्डर है कैसा उनका गेम रहता है इन फ्रंट ऑफ द नेपाल स्पिनर्स, दैट विल बी वर्थ सीइंग, क्योंकि मे बी इतनी हेल्प यहाँ पे ना मिले इन द इनिशियल गेम्स फॉर स्पिन। सो लेट्स सी कैसा रहता है मुकाबला, बट ये जो प्लेयर्स जो फेजेस में मैंने मेंशन किया वहीं पे ज्यादातर आपको एक्शन दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ विकेट्स फॉलिंग और लॉट्स ऑफ बाउंड्रीज बीइंग स्कोर्ड। ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, जो भी फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स है आपको वहीं पे मिलेंगी। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, ताकि ये कॉन्टेंट और लोगों तक आगे पहुंच पाए। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लाउडी वेदर है, बट क्लियर वेदर इज एक्सपेक्टेड फॉर द गेम, मे बी थोड़े क्लाउड हो बट ज्यादातर बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पहला मैच काफी अच्छा था फॉर बैटिंग, एंड हमने MLC में भी यहाँ पे देखा था कि क्योंकि एक लेग साइड वाली बाउंड्री वहां पे शॉर्ट है,
रादर एक स्क्वायर बाउंड्री शॉट है, तो बैट्समैन उस बाउंड्री को ज्यादातर टारगेट करने की कोशिश करते हैं. वन थिंग टू वॉच आउट फॉर, अगर पिच रिपोर्ट में कहा जाता है कि दैट देयर एनी सॉर्ट ऑफ डैम्पनेस इन द पिच, या अगर हमने देखा कि वेदर रिपोर्ट में कि कुछ घंटे पहले वहां पे बारिश हुई है, सो उस वजह से स्टार्टिंग में इट माइट बी डिफिकल्ट टू बैट. उस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, डैम्पनेस से ज्यादातर पिच थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है टू स्टार्ट ऑन. फिर बात करें प्लेइंग इलेवन की, तो यहाँ पे जो डाउटफुल प्लेयर्स है, वन बिटवीन विवियन किंगमा और आर्यन दत्त. आर्यन दत्त भी अगर खेलते हैं तो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे. वाइल नेपाल की बात की जाए तो प्रिटी मच सेटल लाइनअप है. मैं अनिल कुमार शाह जो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं उनके सेटअप के बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्या वो उस पोजीशन में खेलेंगे या खेलेंगे भी कि नहीं. सो लेट्स सी कि वो पॉइंट कैसा जाता है. बट उसके अलावा आई थिंक टू सेटल टीम्स. नेदरलैंड्स की पूरी टीम हम डिस्कस करेंगे, नेपाल के 7-8 की प्लेयर्स, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स है आप वैसे भी उन्हें रोटेट भी नहीं करोगे, जीएल में ना पिक करोगे. सो आई वॉन्ट टू गो स्ट्रेट टू द फोकस पॉइंट एंड फिर हम बनाएंगे हमारी फैंटेसी टीम. सो लेट्स गो स्ट्रेट टुवर्ड्स नेदरलैंड्स एंड समझते हैं कि कौन से की प्लेयर्स इनके लिए यहाँ पे रोल अदा कर सकते हैं. पहले है मैक्स ओडाउट वर्सेस नेपाल. बहुत अच्छे नंबर्स नहीं इनके, 147 रन ही किए इन्होंने 16 की एवरेज से, एंड फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है ऑफ लेट. पिच भी अगर इन्हें सूट करेगी कि नहीं, दैट विल बी समथिंग ट्रिकी टू वॉच आउट फॉर. सो अभी के लिए मे बी अ 50-50 चॉइस, बट क्योंकि दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशन विल सूट नेदरलैंड मोर देन नेपाल, आई थिंक की थोड़ा सा वहां पे उन्हें एज मिल जाता है. दूसरी तरफ है माइकल लेविट जो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, कभी कभार आके पेस बोलिंग भी कर लेते हैं. 37 की एवरेज वर्सेस दिस टीम, बट एक बहुत ही वीक मैचअप है इनका वर्सेस वन ऑफ द ऑपोजिशन बोलर्स. कौन सा है वो मैचअप, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द मैचअप सेक्शन. बट उसके अलावा काफी लॉफ्ट करते हैं बॉल को एंड क्वाइट अ बिग हिटर. विक्रमजीत सिंह, इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है अब तक. T20 में एक भी 50 नहीं मारी इन्होंने फॉर नेदरलैंड्स, एंड वर्सेज नेपाल भी एक मैच में सिर्फ 29 रन. सो टीम में तो लेना इन्हें मुश्किल रहेगा फॉर नाउ. बैच डिलीडी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस भी बन के आएंगे. 3 मैचेस में 123 रन एंड 1 विकेट ले चुके हैं. डेफिनेटली अ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस फॉर मी इन दिस गेम. फिर चलते हैं यहाँ पे तेजा निदामनुरू की तरफ. स्टेबल बैटर है बट ऑफ लेट खास फॉर्म में लगे नहीं है. वर्सेज नेपाल भी 3 मैचेस में सिर्फ 38 रन. ट्राई कर सकते हो एक दो जीएल टीम्स में, बट ज्यादातर ये आपकी टीम में नहीं रहेंगे. फिर आते हैं यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स की तरफ. गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एंड काफी स्वीप भी करते हैं ये बॉल. 8 मैचेस में सिर्फ 140 रन एंड 20 की एवरेज. बट एक जो फैक्टर इनके फेवर में चलेगा, अगर ये 20 रन मार देते हैं साथ साथ में एक दो कैचेस ले लेते हैं, तो वहां पे आपका काम बन जाता है. हेंस मेरे हिसाब से 50-50 पिक एट द मोमेंट, बट टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन. प्रॉबली मेरे बेस्ट टीम में ले लूंगा जस्ट टू बी सेफ. सिब्रो एंगलब्रेक्ट काफी अच्छा खेला है इन्होंने वर्सेस नेपाल. 3 मैचेस में 97 रन. द की थिंग टू वॉच आउट फॉर जो कोई नहीं आपको बताएगा, वो है 4 विकेट भी लिए उन्होंने नेपाल के सामने, एंड इनकी ऑफ स्पिन काफी हैंडी आ सकती है. मिडिल लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, प्लस आपको ऑफ स्पिन के साथ थोड़ी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं. तो बेस्ट टीम में रहेंगे स्पेशली बेस्ड ऑन हिज रिकॉर्ड वर्सेज दिस टीम. लोगन वनबीक नॉट प्लेड वर्सेज नेपाल बिफोर, बट फॉर्म काफी अच्छा रहा है. ये और टिम प्रिंगल दोनों खेल के काफी खेलते हैं इन द सुपर स्मैश, सो एक लेवल अबव खेलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एंड हेंस वी कैन एक्सपेक्ट गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम बोथ. सो टिम प्रिंगल भी ऐसे काइंड ऑफ बॉलर है जो एकदम लाइन एंड लेंथ स्टंप टू स्टंप डालते हैं. ज्यादातर यही बात की कोशिश करते हैं कि बैटर को वो थोड़ा लाइन एंड लेंथ में वहां पे डिफीट कर पाए. अगर आपने इनकी हाईलाइट्स नहीं देखी ऑफ बैटिंग इनिंग्स वर्सेस स्कॉटलैंड, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी उनके सामने. सो जरूर जाके वो इनिंग्स देखिएगा. ऑलमोस्ट वहां पे मैच उन्होंने जिता दिया फ्रॉम अ absolutely unlikely situation with the bat. आर्यन दत्त काफी इन्होंने इम्प्रेस किया था इन द ओडीआई वर्ल्ड कप. हमें याद है कि बाबर आजम को भी काफी परेशान किया था इन्होंने, एंड दूसरे टीम्स के भी सामने काफी डिसिप्लिन लाइन एंड लेंथ से डाला. बट वर्सेज नेपाल 4 मैच में सिर्फ 3 विकेट, एंड डालेंगे ज्यादातर पावर प्ले में. सो बेस टीम में लेना तो इन्हें भी मुश्किल रहेगा. ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो. पॉल वैन मीकरेन काफी खराब मैचअप है इनका वर्सेज नेपाल. 8 मैच में इनके सिर्फ 3 विकेट्स हैं इस टीम के सामने. बट क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस इन्हें असिस्ट करेगी, आप इन्हें डायरेक्टली तो नहीं छोड़ सकते, स्पेशली क्योंकि फर्स्ट इनिंग में डेथ में भी डालेंगे, तो वहां पे इनके पास वो चेंज अप्स भी प्रेजेंट है. विवियन किंगमा ये पावर प्ले बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं. 6 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं वर्सेज नेपाल पहले, एंड आई थिंक बेस्ट टीम में रहेंगे. बट इट विल बी डिपेंडेंट ऑन कितने और कैसे बॉलर यहाँ पे नेदरलैंड्स खिला रही है, क्योंकि इफ दे आर प्लेइंग वन मोर पेसर तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एज ये डेथ में स्ट्रगल करते हैं. एंड हमें पता है कि नेपाल के बैटर्स अच्छे टच में चल रहे हैं, बट उनका भी मैचअप इनके सामने खराब है. सो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है वेदर टू पिक हिम और नॉट. सो वील टेक अ कॉल व्हेन वी मेक द टीम. साकिब जुल्फिकर नहीं रहेंगे टीम में, कुछ खास टच में है लगे नहीं है. वाइल रिसेंट फॉर्म ठीक है, बट वो थोड़ी छोटी टीम्स हैं डोमेस्टिकली है.
अब चलते हैं नेपाल की तरफ। यहाँ पे कुशल बर्टेल 6 मैच में 223 रन 38 के एवरेज वर्सेस नेदरलैंड, तो बहुत अच्छे नंबर्स, बट यहाँ पे कंडीशन होंगे टोटली अलग। सो लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे दूसरे प्लेयर हैं आसिफ शेख, जो 6 मैचेस में 32 की एवरेज से चल रहे हैं वर्सेज नेदरलैंड, बट वापस रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा उबड़ खाबड़ रहा है। इनके साथ प्रो पॉइंट ये रहेगी, पहली चीज तो कीपिंग करेंगे, दूसरी चीज है कि ये वाइल कुशल बोर्टल थोड़ा सा अटैकिंग खेलते हैं, ये अपना समय लेके स्टार्ट करते हैं, जिसका ये मतलब है कि फैंटेसी वैल्यू आपकी वहां पे थोड़ी बेटर हो जाती है। एंड डेफिनेटली अ प्लेयर बहुत कंसिडरिंग। रोहित कुमार पौडेल 4 मैचेस 126 रन 32 की एवरेज, इस टीम के लीडर हैं ये। एंड काफी शॉट्स हैं इनके पास अराउंड द ग्राउंड, बट प्रॉब्ली पहले बैटिंग करेंगे तो मैं इन्हें ट्राई करूंगा, एंड सेकंड बैटिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफी रन नेदरलैंड्स मार सकती है, तो वहां पे अंडर प्रेशर जल्दी इनका विकेट गिर सकता है। दीपेंद्र सिंह एरी डेफिनेटली मेरे साइड में रहेंगे, 6 मैचेस 184 रन एंड 2 विकेट्स, तो काफी अच्छे नंबर्स इनके वर्सेस नेदरलैंड्स भी। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चाहे पहले बॉलिंग करें या सेकेंड, इनसे एटलीस्ट 40-50 पॉइंट्स तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। फिर एक कुशल मल्ला, काफी बात की इनके इन इनके बारे में मैंने पहले भी, एंड 5 मैचेस में 8 विकेट्स ले चुके हैं वर्सेस नेदरलैंड्स एंड 107 रन्स, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पे। मैचअप्स भी इनके अच्छे, क्या मैचअप्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये डेफिनेटली मेरी बेस टीम में एक जगह ढूंढ लेंगे। फाइनली करण केसी 12 मैचेस 16 विकेट्स एंड 57 रन, अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं ही विल बी वर्थ कंसिडरिंग, क्योंकि कुछ हेल्प रह सकती है फ्रॉम द ट्रैक, सो डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड। सोमपाल कामी एक और प्लेयर है जो काफी लोग कंसिडर करेंगे, बट 12 मैच में सिर्फ 5 विकेट्स है वर्सेज नेदरलैंड। अगेन ऐसे टाइप के बॉलर हैं कि कुछ मूवमेंट इन्हें मिल सकती है, बट पेस इनके पास काफी कम है। तो ये है वो की 7-8 प्लेयर्स जिन्हें जिनको मुझे डिस्कस करना था फ्रॉम द टीम ऑफ नेपाल। अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम। एंड फैंटेसी टीम के पहले हमारे की मैचअप्स इन दिस गेम, बर्टल वर्सेस किंगमा 40 और 46 एंड 3 बार आउट हो चुके हैं, सो नॉट सो ग्रेट नंबर्स। या आसिफ शेख को भी 2 बार आउट किया है किंगमा ने, सो किंगमा विल बी ऑन द रेडार इन दिस गेम। लेविट वर्सेस कुशाल मल्ला, जैसे मैंने कहा 2 बार आउट किया है कुशाल मल्ला ने लेविट को इन जस्ट 8 बॉल्स, सो अगेन अ मैचअप टू वॉच आउट फॉर। वाइल मैक्स ओ डाउड आउट हुए करण केसी को 2 बार इन 13 डिलीवरी, सो सम रियली बिग प्लेयर्स यहाँ पे, चारों ओपनर्स के कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप। सो जीएल में आप रोटेट कर रहे हो तब इन प्लेयर्स पे और अच्छा खासा ध्यान आप देना। अब बनाते हैं हमारी आज की टीम। सो वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन, स्कॉट एडवर्ड्स एंड आसिफ शेख दोनों को अभी के लिए मैं रख रहा हूँ इन द साइड। ऑफ कोर्स फाइनल कॉल हम लेंगे पोस्ट द टॉस, माइकल लेविट होंगे मेरे लॉक पिक फ्रॉम दिस सेक्शन। इन द ऑलराउंडर सेक्शन बैश डिलीडी, लोगन वैन बीक, दीपेंद्र सिंह एरी, सिब्रॉ एंगलब्रेक बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट रिकॉर्ड विल डेफिनेटली बी इन माई बेस टीम। वाइल बोलिंग सेक्शन की बात की जाए तो पॉल वैन मीकरेन, विवियन किंगमा, टिम प्रिंगल, ये होंगे मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसिस। तो ये जो 10 है मेरे लॉक पिक्स है। अब लास्ट पिक आप किसको लोगे? अगर बैटिंग कंडीशन अच्छी है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल गो विद मैक्स डाउट। वाइल इफ वी फील की कुछ अप फ्रंट हेल्प मिल सकती है, देन इन दैट केस वी कैन गो विद करण केसी इन दिस सेक्शन। तो वो एक जो पिक है एकदम कंडीशन बेस्ड एंड टॉस बेस्ड रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो बैश डिलीडी विल बी द लॉक कैप्टन फॉर मी, व्हाइल इफ नेदरलैंड्स बोल फर्स्ट तो वो वाइस कैप्टन सीट जाएगी लोगन वैन बीक की तरफ। तो ये लग रही है अभी के लिए मेरी टीम। उसके अलावा कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप बिल्कुल अभी के अभी जुड़ सकते हैं। एंड ऑल इन ऑल ये लग रही है मेरी आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस। लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक माइकल लेविट एंड सिब्रो एंगलब्रेक, केसी करन वाइल बोलिंग फर्स्ट, कुशल मल्ला वाइल बैटिंग फर्स्ट। कुशल मल्ला भी एक और पिक है जिन्हें मैं फिट करने की कोशिश करूंगा, बट लेट्स सी कहां पे वो फिट नाते हैं। हाई सेलेक्ट ड्रॉपर्स बॉन्ग होंगे अविनाश बोरा बेस्ड ऑन हिज पुअर नंबर्स। वाइल नंबर्स इस स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ 6 मैच में सिर्फ 3 विकेट्स लिए उन्होंने नेदरलैंड्स के सामने। ग्रैंड लीग सीवीसी चॉइसेस, बैटिंग फर्स्ट एंड बोलिंग सेकंड विल बी दीपेंद्र एरी, बैटिंग सेकंड बोलिंग फर्स्ट पॉल वैन मीकरेन एंड विवियन किंगमा, दोनों सिचुएशन में बैश डिलीडी, लोगन वैन बीक एंड माइकल लेविट। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू, आई होप आपको मजा आया हो। जल्दी मिलेंगे विद मोर अमेजिंग कंटेंट एंड वेरी वेरी सून। रिमेंबर टू साइन अप ऑन एक्सचेंज 22 एंड माई मास्टर 11 एंड जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर ऑल द टीम्स एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर हिट करिए, एंड एक्सचेंज 22 के पिक्स भी हम नेक्स्ट गेम से कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए द पिक्स आर नॉट लाइव, क्योंकि आप में से कई लोगों ने बोला कि एक्सचेंज 22 के पिक्स हम अब तक कवर क्यों नहीं कर रहे, सो दैट इज द रीजन। सी यू ऑल वेरी सून, प्ले स्मार्टली, प्ले वाइजली।